हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नब्बे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पुणे लोकेटेड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नाम है वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में कुछ इम्पोर्टेंट कोर्सेस रन किए जाते हैं, उसके एकेडमिक कैलेंडर के बारे में मैं आज आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। एंड अलॉन्ग विद दिस एकेडमिक कैलेंडर, यहाँ पे कौन से कोर्सेस रन किए जाते हैं, इन कोर्सेस की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्सेस को एडमिशन ले सकते हैं या फिर एग्जाम को अपीयर हो सकते हैं, उसके बाद जो डिप्लोमा कोर्सेस है उसके बारे में मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट एडमिशन प्रोसेस जो 2022 और 2023 की किस प्रकार से होने वाली है उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नब्बे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है दैट इज 2022-2023, इन एकेडमिक ईयर के बारे में जो भी एडमिशन प्रोसेस रहेगी, चाहे वो अलग अलग कॉलेजेस हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नब्बे। सो अगर हम यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर देखेंगे वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट का, तो ये इस तरह से एकेडमिक कैलेंडर है, दैट इज ऑफ एकेडमिक ईयर 2022-2023। और ये इम्पोर्टेंट डेट्स है यहाँ पे, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज मंडे 14 मार्च 2022 से शुरू हुआ है। देन ये जून महीने तक आप ये एप्लीकेशन आप कर सकते हो, ओके। उसके बाद जो रिटर्न टेस्ट होने वाली है, रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू एट दैट VSI और दैट वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट मांजरी बुद्रुक पुणे, सो दैट रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू विल बी ऑन थर्ड वीक ऑफ जून 2022। देन कमेंसमेंट ऑफ सेमिस्टर 1, 3 एंड 5, जो और सेमिस्टर है वो जो सेमिस्टर शुरू होंगे, दैट विल बी फ्रॉम मंडे 11th जुलाई 2022। देन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ दिस सेमिस्टर, दैट इज सेमिस्टर 1, 3 एंड 5, दैट विल बी इन अक्टूबर नवंबर 2022। देन इन प्लान ट्रेनिंग, क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स इन पर्टिकुलर कोर्सेज को एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है, दैट इज फॉर सेमिस्टर 1 एंड सेमिस्टर 3। तो वो जो शुरू हो जाएगी वो दिसंबर 2022 और एंड इन बिटवीन फेब्रुआरी 2023, ओके। उसके बाद जो है कमेंसमेंट ऑफ सेमिस्टर 2 एंड 4, दैट विल बी फ्रॉम मंडे 6th मार्च 2022, एंड फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सेमिस्टर 2 एंड सेमिस्टर 4, दैट विल बी इन मई जून 2023। तो ये इस तरह का ये एक एकेडमिक कैलेंडर है वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट का, जो कि पुणे लोकेटेड है। एंड एकेडमिक कैलेंडर जो है ये 2022, और यहाँ पे फ्रेंड्स जो अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे है, तो ये अलग अलग कोर्सेस है एट दिस वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, एंड दिस आर द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस है, पहला कोर्स यहाँ पे है शुगर टेक्नोलॉजी का, जो ड्यूरेशन है कोर्स का ये 2.5 ईयर्स का है, एंड टोटल सीट्स जो है ये 50 सीट्स है यहाँ पे। और जो एलिजिबिलिटी, मतलब कौन से कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर कोर्स का एडमिशन ले सकते हैं, तो जिन कैंडिडेट्स का BSc में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या शुगर टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग हुआ है, बी केमिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, और BTech अगर हुआ है केमिकल फॉर एग्जाम्पल, सो दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट्स दे कैन टेक एडमिशन टू दिस शुगर टेक्नोलॉजी कोर्स हियर, ओके। उसके बाद जो कोर्स है सेम इंस्टीट्यूट में वो है शुगर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, ओके। ये 1.5 ईयर का कोर्स है, एंड जो एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन से कैंडिडेट्स इस कोर्स को एडमिशन ले सकते हैं, तो BSc में जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ है, या फिर BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग अगर उनका हुआ है, तो दैट कैंडिडेट्स दे कैन टेक एडमिशन टू और दे कैन अप्लाई फॉर दिस शुगर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है शुगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये भी 1.5 ईयर का कोर्स है, 15 टोटल सीट्स है यहाँ पे,
और जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल। उसके बाद जो कोर्स है इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, तो ये 22 मंथ्स का कोर्स है एंड टोटल सीट्स जो यहाँ पे है ये 120 सीट्स है। एंड जो कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर कोर्स के एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं वो है BSc जिनका हुआ है केमिस्ट्री में, वाइन टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में या फिर अल्कोहल टेक्नोलॉजी में। तो ये कैंडिडेट यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी के कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनका अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हुआ है, बैचलर ऑफ टेक्निकल हुआ है इन केमिकल और बायोटेक्नोलॉजी में, तो ये भी कैंडिडेट्स इस कोर्स को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे रन किए जाते हैं वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट में, एंड जनरली दिस कोर्सेस आर आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके, उसके बाद जो है तो पोस्ट ग्रेजुएट कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी यहाँ पे है, तो वो भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेस है, दैट इज जनरली ऑफ सीजन करके यहाँ पे कहा गया है। एंड दिस कोर्सेस इंक्लूड्स शुगर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, ये कि 1 ईयर का कोर्स है, 15 टोटल सीट्स है, और एलिजिबिलिटी जो है इस कोर्स के लिए वो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब डिप्लोमा अगर हुआ है इंजीनियरिंग का तो ये स्टूडेंट्स इस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स है, या फिर अगर कुछ कैंडिडेट्स को एक मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर होता है शुगर मिल में, तो वो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स, वो है शुगर मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट, 1 ईयर का कोर्स है ये भी, और जो टोटल सीट्स यहाँ पे है वो है 35। एंड जो एलिजिबिलिटी है कोर्स के लिए, अगर आपको प्रोसेसर में अप्लाई करना है तो BSc केमिस्ट्री एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ईयर, उसके बाद अगर उनका BSc शुगर टेक्नोलॉजी में हुआ है वो भी इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर शुगर साइंस डिप्लोमा हुआ है शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर मैन्युफैक्चर, केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, तो वो भी इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिनका एक्सपीरियंस 2 साल का है एटलीस्ट, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस शुगर मिल में, तो वो भी इस शुगर मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस है यहाँ पे। और उसके बाद जो है सेम कंडीशन में, तो सर कुछ ये पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेस थे, उसके बाद ये सर्टिफिकेट कोर्सेस यहाँ पे दिए है, तो इन सर्टिफिकेट कोर्सेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो कोर्स, पहला जो कोर्स है यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स में, ये है शुगर बॉइलिंग। ओके, शुगर बॉइलिंग सर्टिफिकेट कोर्स है, 1.5 ईयर का कोर्स है ये, और टोटल 6 सीट्स जो है 60 सीट्स हैं, और जो एलिजिबिलिटी है ये है SSC एंड मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन शुगर मिल और HSC पास। उसके बाद ड्यूस सुपरविजन सर्टिफिकेट है, 1/2 ईयर का, 30 सीट्स है, और जो एलिजिबिलिटी वो है SSC एंड मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन शुगर मिल। या फिर उसके बाद एक अनदर सर्टिफिकेट कोर्स है, वो है ऑपरेशन ETP, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये भी 6 महीने का कोर्स है, 30 सीट्स है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है HSC साइंस एंड 2 साल का एक्सपीरियंस इन शुगर मिल। तो ये अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेस है यहाँ पे। उसके बाद जो है सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर जो अनदर कोर्स है यहाँ पे, दैट इज इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, that is MSc course is here, Master of Science, and this MSc course, it is run by the Vasundhara Sugar Institute, but it is affiliated to the Savitribai Phule Pune University. Okay, so this MSc course, it is affiliated to Savitribai Phule Pune University. So, isme jo course hai MSc mein, to yahan pe aapko Environmental Science ek available course hai, MSc in Environmental Science, jo ki 2 saal ka course hai ye. दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इसलिए 2 साल का कोर्स है, एंड हियर टोटल सीट्स जो अवेलेबल है ये 24 सीट्स है, एंड एलिजिबिलिटी जो है BSc इन एनी सब्जेक्ट एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर बी अगर हुआ है उनका सिविल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, सो दैट स्टूडेंट दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस कोर्स हियर। उसके बाद अगर BSc एग्रीकल्चर भी हुआ है तो भी ये स्टूडेंट्स MSc एनवायरमेंटल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स, अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है वाइन टेक्नोलॉजी में, ब्रेइंग में, अल्कोहल टेक्नोलॉजी में, तो भी एक कोर्स यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अवेलेबल है, जो कि पहले मैंने जैसे बताया कि सावित्रीबाई फुले उन्हें यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, 2 साल का कोर्स है एंड टोटल सीट्स जो है वो 24 सीट्स है। और इनके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए ये एमएससी वाइन ब्रेविंग एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी के लिए, वो है बीएससी वाइन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर या फिर बॉटनी, जूलॉजी और पीजीडीआई फेटी, या फिर अगर आपका बीई हुआ है, बीटेक हुआ है केमिकल में, बायोटेक्नोलॉजी में या फूड टेक्नोलॉजी में या एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में, तो भी आप एमएससी वाइन ब्रेविंग या अल्कोहल टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, एमएससी कोर्सेस है जो कि एफिलेटेड टू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे। उसके बाद जो कोर्सेस है यहाँ पे, ये कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, फॉरेन स्टूडेंट स्पेशल कोर्सेस है, तो इस तरह से आप यहाँ पे, और अगर आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो भी मैंने एडमिशन प्रोसेस आपको यहाँ पे बताई थी, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एडमिशन प्रोसीजर, एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू शेड्यूल तो अभी मतलब दिया नहीं है, और इस तरह से ये सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, ये सिलेबस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शुगर टेक्नोलॉजी के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए सिलेबस कौन सा है, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन या अल्कोहल टेक्नोलॉजी के लिए सिलेबस कौन सा है, उसके बाद एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के लिए सिलेबस कौन सा है एंट्रेंस के लिए, एंड उसका पैटर्न क्या है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और एमएससी वाइन ब्रीविंग एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा सिलेबस है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसका पैटर्न आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये जो इंस्टीट्यूट है, वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे, ये अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे रन करती है। और एकेडमिक कैलेंडर तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और उसके बाद जो है यहाँ पे न्यूज एंड अनाउंसमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये एकेडमिक शेड्यूल यहाँ पे दिया है, ये एग्जाम का है। दिस इज नॉट द शेड्यूल ऑफ वन इम्पोर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू शो हियर, दैट इज जस्ट 1 मिनट। तो ये एडमिशन प्रोसेस है, अगर आपको एडमिशन लेनी है इन कोर्सेस को, तो इस तरह से आपको ये जब इनका ऑलरेडी ये तो आया है, नोटिफिकेशन तो आया है 2022-23 का, जैसे कि जो कि मैंने कैलेंडर में आपको बोल दिया है यहाँ पे। और एडमिशन को अगर आपको लेना है तो ये एडमिशन फॉर्म के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ से, एडमिशन फॉर्म फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 आर ओपन एंड दैट लास्ट डेट फॉर ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 13 जून 2022। ओके, 14 मार्च से शुरू हुआ है एंड लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2022 है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन जो मैंने बोल दी थी ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप इस कोर्स को जो कि वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट जो कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।